चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, कितने बड़े वकील खड़े हो, भारत से बिना प्रसाद लिए इसको जाने नहीं देगा मोमिन मलिक। उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो अब तक चलान पेश नहीं कर पाई है इस मामले में, काफ़ी डिले हो गया है। कल या परसों तक उसमें कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जितना इंतजार करना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा कर चुका हूँ। जैसे ही दिल्ली की सरकार उनको क्लियरेंस देती है उसी वक्त उसको वीज़ा ऑनलाइन इशू हो जाएगा और अगले ही दिन उसको जो हम भारत में लेके आ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी सीमा को दिल्ली पुलिस ने बुला लिया, सीमा को डिपोर्ट कर दिया, तो मैं आपको बताता चलूं कि सीमा रबुपुरा में है, कोई उसको डिपोर्ट नहीं किया गया, उसके बच्चे भी वहीं हैं, सीमा भी वहीं है, कोई डिपोर्ट नहीं किया गया। और जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला पेंडिंग होता है, मैं आपको कानून की बात बताता हूँ, ये खाली सीमा हैदर का मामला नहीं, दुनिया का कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में है और जिसके खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई है या दूसरे केसेस पेंडिंग है, ये सीमा हैदर की बात नहीं, मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, कानून की बात। तो जब तक वो केस चलेगा या जितने भी उस पर केस होंगे, जब तक वो डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे, उनके फैसले नहीं आएंगे, तब तक वो व्यक्ति भारत से डिपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। अगर किसी केस का फैसला भी हो जाता है और उसकी अपील भी अगर कोई डाल देता है, अपील भी पेंडिंग है, तो जब तक वो अपील का निपटारा नहीं हो जाता, अपील का फैसला नहीं हो जाता, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, ये कानून है। और भारत सरकार तो इस मामले में बड़ी संजीदगी है, और ऐसा नहीं है कि इतने सारे केसेस, मैंने 13-14 केसेस डाले हुए हैं तो वो चल रहे हैं बाकायदा, इतनी आसानी से मोमिन मलिक सीमा को डिपोर्ट नहीं होने देगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको पहले यहाँ सजा कराएंगे, सजा कराने के बाद इसको फिर नेपाल भिजाएंगे, वहाँ भी इसको सजा होगी, और फिर कहीं जा करके ये पाकिस्तान नेपाल से डिपोर्ट होगी, जब कभी भी अपनी सजा भुगतने के बाद। इतनी आसानी से मोमिन मलिक इसको भारत से जाने नहीं देगा, ये आपको बता रहा है। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, कितने बड़े वकील खड़े हो, भारत से बिना प्रसाद लिए इसको जाने नहीं देगा मोमिन मलिक, ये आपको बता रहा हूँ मैं बात। अब बहुत से कहते हैं जी इसको जेल कब होगी, ये होगी, तो मेरा काम कानूनी कार्रवाई करना है, कोर्ट में केस लगाना है, उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना है, पुलिस को संज्ञान लेना है, सरकारों को संज्ञान लेना है। लेकिन मैंने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो अब तक चलान पेश नहीं कर पाई है इस मामले में, काफ़ी डिले हो गया है। तो मैं इलेक्शंस की वेट कर रहा था, तो मैंने ये फैसला किया है कि अब सीमा हैदर के केस को मैं उत्तर प्रदेश से ट्रांसफ़र करा करके हरियाणा में लेके आ रहा हूँ। उसके लिए मैं कल या परसों तक उसमें कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जितना इंतज़ार करना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा कर चुका हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को और कई साल चलाना चाहती है। तो इस बात से सबक लेते हुए मैंने ये फैसला किया है कि इस पूरे मामले को मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों से निकाल करके हरियाणा पुलिस में फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर इस मामले को ट्रांसफ़र करा के लेके आऊँ। उसके लिए जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं जी कैंसलेशन ऑफ बेल डालनी थी आपको, तो वो मैं बता दूँ आपको कि कैंसलेशन ऑफ बेल का डालने की जो बात थी उसमें कुछ लीगल पेचीदगियाँ आई सामने, जिनके तहत हमने उसको होल्ड पे रखा, और अब हम बजाय कैंसलेशन ऑफ बेल के हमने कुछ चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस ये हैं कि कैंसलेशन ऑफ बेल के साथ साथ हम इस मामले को उच्च न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से या उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों से लेकर के उसको हम हरियाणा में ट्रांसफ़र कराने के लिए अपने कानूनी कदम बढ़ा रहे हैं, ताकि वो केस यहाँ ट्रांसफ़र हो जल्दी से जल्दी, उसके अंदर जो है वो 173 CRPC की जो है वो रिपोर्ट सबमिट हो,
और चलान पेश हो और उसको हम जल्दी से जल्दी गवाही करा करके सजा दिला सकें, ताकि ये जेल में जाए। और इसके बच्चे तो हम पहले ही ऑर्डर करा चुके हैं, उस मामले में गुलाम हैदर के आते ही उनको मिलेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इतने दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बहुत आपने इसके लिए समय भी लगाया है और आपने अच्छे अच्छे कमेंट भी किए हैं, आवाज़ भी उठाए हैं। आप सब इसमें सीनियर हो, मैं इस मामले में सबसे जूनियर हूँ, क्योंकि मैं सबसे बाद में आया हूँ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। मेरे से पहले आप एक एक डेढ़ डेढ़ साल से इस काम में लगे हुए थे, आप सब बधाई के पात्र हैं। और हमने अपनी सारी कानूनी चीज़ें को किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम बोलते नहीं हैं, हम खामोश हैं तो हमारी कानूनी कलम खामोश नहीं, ऐसा नहीं है। हम खामोश जरूर हैं, लेकिन हमारी कानूनी कलम खामोश नहीं है। हमने सब काम बड़ी तेज़ी से, बड़ी शिद्दत से अपने कंप्लीट कर दिए। गुलाम हैदर भी आएगा, जैसे ही दिल्ली की सरकार उनको क्लियरेंस देती है उसी वक्त उसको वीज़ा ऑनलाइन इशू हो जाएगा और अगले ही दिन उसको जो है हम भारत में लेके आ जाएंगे। वो हम उसकी कॉपी भारत सरकार मुझे भी देगी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को भी कॉपी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी भारत सरकार से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि एक पिता है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है भारत में, भारत के लोगों से उम्मीद करता है, भारत की सरकार से उम्मीद करता है, अपने बच्चों से मिलना चाहता है, अपने बच्चों को कानूनी रूप से लेना चाहता है। तो मैं भारत की सरकार से अपील करता हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी वीज़ा क्लीयरेंस करे और उसको भारत में आने का मौका दे। मैं उसका स्पॉन्सर हूँ, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊँगा। किसी प्रकार की कोई कानून की वायलेशंस नहीं होने दूंगा और उनको फैसिलिटेट करके लीगली रूप से हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। कोई अभी सीमा हैदर कोई डिपोर्ट नहीं हुई है और कोई उसको कहीं से अब किसी पुलिस द्वारा नहीं बुलाया गया है। हाँ, हमने बड़े लेवल पे उसकी कुछ कंप्लेंट्स की हुई है, अधिकारी फ़ोन द्वारा ही उससे जो भी सूचना लेनी होती है, जो इंक्वायरी करनी होती है, फ़ोन द्वारा भी करते हैं। बाकायदा भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसकी निगाहें उस पर हैं, क्योंकि हमने हाई लेवल पर कंप्लेंट की हुई है और उसको निगाह किया जा रहा है। आप देख रहे हो, जो पहले वो लाइव आती थी, जो पहले वो बकवासबाजी करती थी, वो पहले जैसी बातें नहीं रही है, क्योंकि स्टिक उसके ऊपर डायरेक्शंस सरकार की तरफ से आ गई हैं, हमें उस बात का पता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से हम नहीं बोलते हैं इस बात को। तो दोस्तों, इस लड़ाई को जीतने के लिए आपको तीन काम करने होंगे। अब आप बिल्कुल जीत की ओर हो। नंबर वन, कि अगर आप इस चीज़ को जीतना चाहते हो तो एक तो कोई भी झूठी बात, कोई भी अफवाह, कोई भी ऐसी बात जो ना हो उसको ना फैलाएं, चाहे हमारे दोस्त हैं, हमारे सपोर्टर हैं या फिर हमारे खिलाफ हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी झूठी अफवाहों को ना फैलाएं, क्योंकि लोगों को, लोग इंटरेस्ट लेके देखते हैं, लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इस केस के अंदर, हर किसी का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, हर कोई जानना चाहता है कि क्या चल रहा है इस केस में, क्या हो रहा है। तो जब उनको पता चलता है कि ये बात झूठी है तो उनको दुख होता है। तो किसी को दुख ना पहुँचाएँ, झूठी बात अफवाहों को ना फैलाएँ। दूसरी बात कि आप बिल्कुल भी एक दूसरे को गाली गलौज ना करें, बुरा भला ना कहें, अपने विचार रखें, दूसरे के विचार सुने, तर्क रखें, वितर्क रखें और गंदगी को बिल्कुल साफ करें। गाली गलौज बिल्कुल एक दूसरे को ना करें, चाहे हमारे सपोर्टर हैं या हमारे अंगेंस्ट लोग हैं।